और पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने इंदौर के बहुचर्चित महाराष्ट्र ब्राह्मण कोऑपरेटिव बैंक घोटाले की भी नए सिरे से जांच होने की बात कही है। साथ ही कहा है कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी और बैंक के पूर्व अध्यक्ष ने भी सीएम कमलनाथ को घोटाले से जुड़े दस्तावेज भी सौंपे हैं। हालांकि कयास ये लगा जा रहे हैं कि पेंशन घोटाले पर कैलाश विजयवर्गीय को घेरने के बाद सुमित्रा महाजन को घेरने की तैयारी में कांग्रेस अब दिखाई दे रही है। एक भी घोटाला बचेगा नहीं। सीएस घोटाले पे हर 3-4 दिन में एक FIR हो रही है। पेंशन घोटाला का जिन आ गया है, रिपोर्ट जैन आयोग की आ गई हमारे पास। इसी तरह बैंक घोटाला, महाराष्ट्र बैंक का घोटाला भी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें एक के बाद एक लाएंगे। बहुत सारे मोर्चे एक साथ खोलना ठीक भी नहीं होता। हनी ट्रैप आ गया, कई चीज़ें आ गई। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल चर्चित मामला और पूरा तथ्य भी उसके सामने आ गए हैं। इसमें कोई कैसे बच सकता है? कोऑपरेटिव बैंक का एक समय घोटाला हुआ था, सारे लोगों से रिकवरी हुई कि नहीं? बड़ा घोटाला था वो भी कोऑपरेटिव बैंक का, सारे लोगों से रिकवरी हुई। क्योंकि वो केस FIR के लायक नहीं था। ये केस तो FIR के लायक है। जो तथ्य उभर गया, जो भी हो, उसमें हर आदमी को भ्रष्टाचार से मुंह मोड़ना पड़ेगा, नहीं तो जेल की सलाखें। भले BJP चिल्लाएगी बदला ले रहे हैं, बदला ले रहे हैं, बदले की बात नहीं है। हम तो BJP से पूछना चाहते हैं, क्या भ्रष्टाचार पे कांग्रेस रोक लगाए कि नहीं लगाए? भ्रष्टाचारियों को जेल में डाले कि नहीं डाले? ये BJP वाले जवाब दे दें। सुमित्रा महाजन एक अलग व्यक्तित्व है। देखिए, मैं मेरी ताई का बड़ा आदर करता हूँ। अब परिवार का हर अंग एक जैसा हो, यह आवश्यक नहीं है। ताई बिंदास रही हैं, हर मुसीबतों को उन्होंने झेला है। पर परिवार में कोई गड़बड़ करता है, मान लो वो रिपोर्ट में आ जाता है, तो ताई इसमें की है। हमारी अहिल्या माता है ताई, वो कभी वो तरफदारी नहीं करेगी। वो बोलेगी, जो यदि हुआ है, रिपोर्ट में आ गया है, तो कोई भी हो, मेरा बेटा हो या कोई हो, ताई इसमें की। मैं इतने सालों से जो ताई, हमारी अहिल्या माता है।